हेलो एंड वेलकम टू ऑल व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे कलर विजन डेफिशिएंस पीपल्स के बारे में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ स्पेसिफिक कलर्स को नहीं देख पाते, और इसके बारे में बहुत सारे लोगों को तब पता चलता है जब वो अपनी पूरी एजुकेशन पूरी कर लेते हैं और उसके बाद किसी जॉब में अप्लाई करते हैं, और जब मेडिकल उनका होता है तो उसमें पता चलता है कि वो कुछ स्पेसिफिक कलर नहीं देख पा रहे हैं, और इसका मतलब है कि वो मेडिकली फिट नहीं है और जो उनका ड्रीम जॉब होता है वो उन्हें नहीं मिल पाता। जब आप मेडिकल में अनफिट हो जाते हैं कुछ स्पेसिफिक कलर ना देख पाने के कारण, तो पता ये चलता है कि आप फिज़िकली फिट भी नहीं हैं और ना ही आप किसी ऐसी कैटेगरी में आते हैं जिसमें कि फ़िज़िकल हैंडीकैप्स होते हैं। तो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आप किस कैटेगरी में हैं। सेम समस्या आप ही जैसे एक व्यक्ति हैं जिनका नाम नीरव मखवाना है, जो कि गुजरात से हैं। उनके साथ भी यही हुआ कि उनका एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत अच्छा था, यानी वो पढ़ने में बहुत अच्छे थे, उन्होंने हाईएस्ट नंबर एक्वायर किए और उसके बाद उन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया। जब जॉब के लिए अप्लाई किया, आखिर में जब मेडिकल हुआ तो पता चला कि वो कलर विज़न डेफिशिएंसी के शिकार हैं, यानी वो कुछ स्पेसिफिक कलर नहीं देख पा रहे हैं, और जिसकी वजह से जो उनका ड्रीम जॉब था वो उन्हें नहीं मिल पाया। इस तरीके की समस्या पता नहीं कितने लोगों के साथ आती होगी, बट जब नीरव के साथ में ये समस्या आई तो उसने अपने अधिकार को पाने के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। आइए जानते हैं नीरव ने अब तक क्या क्या किया है इस क्लिपिंग से। जी, मैं दर्शना जरदोस, हमारा जो सांसद है दर्शना जरदोस जी, उनके लिए बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जो मुद्दा उठाया है वो देश के बहुत सारे लोगों का है, सिर्फ मेरे अकेले का नहीं है। ये जो कलर विजन की प्रॉब्लम है, इसकी वजह से मुझे चार साल में, लास्ट फोर इयर्स में इतने प्रॉब्लम्स हुए हैं कि मैं आपको गिनवा भी नहीं सकता। तो मैं तो अभी अपने जो क्लासमेट से, अपने एज के स्टूडेंट से, उनसे मैं कलर विजन की वजह से 10 साल पीछे हो गया हूँ। मुझे ये प्रॉब्लम एट द एज ऑफ 22 पता चली, कि 22 साल बाद मुझे पता चली कि मुझे ये प्रॉब्लम है। कई सारे लोग तो ऐसे होते हैं कि जिनको पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाने के बाद खत्म पता नहीं चलता, क्योंकि उनकी लाइफ में कभी मेडिकल टेस्ट आता ही नहीं है। तो मुझे जब जॉब में, मेरा जो मेडिकल हुआ उसी में मुझे पता चला, तब तक मुझे खुद को पता नहीं था कि इस तरीके से कुछ प्रॉब्लम्स भी होते। अगर मैं बात करूँ कलर विजन के लिए, तो कलर विजन के लिए बहुत सारे लोगों को प्रोविजंस सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, जैसे कि 2017 में जो नीट टॉपर्स है उनको एमडी में एडमिशन चाहिए था, तो एमडी में जब एडमिशन चाहिए थे तो नीट में वो लोग टॉपर्स थे, तो उनको कलर विजन की वजह से रिजेक्शन दिया गया। तो उन्होंने जब सुप्रीम कोर्ट में अपील की, इसके लिए केस फाइल किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में बताया कि कलर ब्लाइंड भी एमबीबीएस कर सकते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है वो एमबीबीएस के स्टूडेंट्स के लिए तो निकल चुकी है शायद, जिन लोगों को पता है, फिर भी सरकार ने अभी तक तो कोई गाइडलाइंस नहीं बनाई है। अगर मैं बात करूँ कॉन्स्टेबल लेवल की, तो गुजरात हाईकोर्ट में ऐसे दो केसेस ऑलरेडी आ चुके हैं कि जिसमें कॉन्स्टेबल लेवल पे जब मेडिकल होता है तो उसमें कलर विजन की वजह से रिजेक्शन दिया गया था, तो हाईकोर्ट ने उनको फिर से जॉब दिया जो कलर ब्लाइंड थे उन लोगों को। तो वैसे ही बहुत सारे केसेस है, पर सरकार की कोई गाइडलाइंस नहीं है। अब दिक्कत यह होती है कि जेंडर इक्वालिटी की बात करें तो आप ट्रांसजेंडर्स हैं, जो किन्नर लोग हैं उनके लिए भी अलग से प्रोविजंस है। अगर आप बात करें फिजिकली हैंडीकैप, जो लोग दिव्यांग है उनके लिए भी अलग से प्रोविजंस है। तो हम तो नॉर्मल है, हमारे लिए कोई भी प्रोविजन नहीं है। सरकार जो है हमें जॉब के परस्पेक्टिव व्यू हमें नॉर्मल में कंसीडर नहीं करती, और हमें पीएच कैटेगरी में भी कंसीडर नहीं करती, तो हमारे लिए कोई प्रोविजंस है ही नहीं। तो बस मैं इसी की वजह से लड़ रहा हूँ कि मैं पूरे इंडिया के जो मेरे जैसे लोगों को कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए मैं पूरे इंडिया की तरफ से मैं ये मुद्दा उठाना चाहता हूँ पूरे नेशनल लेवल पर। व्यूअर्स, इस क्लिपिंग से समझ में आता है कि नीरव के अनुसार जितने भी लोग इस कलर विज़न डेफिशिएंसी के शिकार हैं, और अगर वो जॉब में अप्लाई करते हैं वहाँ मेडिकल में डिसक्वालीफाई होते हैं, तो उनके लिए कोई ऐसा रिजर्वेशन या कोई ऐसा सेक्शन होना चाहिए जहाँ पर उनका भविष्य सिक्योर हो। तो इसके लिए अगर आप सब लोग एक दूसरे से जुड़ेंगे, आप एक जगह एक स्टैंड पर खड़े होंगे, तो शायद नीरव की ताकत और बढ़ेगी। तो इसके लिए नीरव ने खुद बताया है कि अगर आप इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ते हैं तो शायद वहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट भी मिलेंगे कि इस समय वो क्या कर रहा है और कैसे इस लड़ाई को आगे लेकर जा रहा है। इसमें आप सभी के साथ की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप इस ग्रुप से जुड़ेंगे तो नीरव अकेला नहीं रहेगा, उसके साथ आपके सभी के लोगों की ताकत और शामिल हो जाएगी। नीरव का ये मुद्दा अब संसद में भी पहुंच चुका है, और संसद में पहुंचने के बाद ये उम्मीद की जाती है कि वहां से कोई ना कोई ऐसा सोल्यूशन आपके लिए ज़रूर निकलेगा जिससे आपका भविष्य सिक्योर हो।
आइए देखते हैं संसद में वहां की सांसद ने इस समस्या को किस तरीके से प्रेजेंट किया। नमस्कार माननीय अध्यक्ष जी, आज मैं मेरे संसदीय क्षेत्र सूरत के एक युवक की समस्याओं के को लेके यहाँ पे उपस्थित हुई हूँ, जो सारे भारतवर्ष के अन्य युवक युवतियों की भी समस्या हो सकती है। ब्राइट कारकिर्दी के बावजूद नीरव मकवाना करके एक लड़का था जिसने 10th और 12th में 85 डिस्टिंक्शन के साथ पास किया और उसके बाद में यूनिवर्सिटी से उसने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर पास किया और अपने कारकिर्दी के 25 साल उन्होंने श्रेष्ठ परिणाम देने के लिए दिए, लेकिन जब वो नौकरी के लिए अप्लाई करता है तब उन्हें पता चलता है कि उन्हें कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी है, तो जिसके कारण ना तो वो दिव्यांग की श्रेणी में आता है ना तो वो कहीं जॉब कर पाता है। तो हमारे सरकार, उन्होंने बहुत आशा से प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा, जो उन्होंने कंसर्न मिनिस्ट्री के तौर पे एजुकेशन मिनिस्टर को लिखा, लेकिन वो एजुकेशन का मसला नहीं है। जब तक वो पढ़ा तब किसी ने बताया नहीं कि उसको कलर ब्लाइंडनेस है। जब उसने नौकरी के अप्लाई किया और जब उसका सर्टिफिकेट आया तब उसे पता चला, और 1995 में और RPW की एक्ट 2016 के अंतर्गत ऐसे हजारों आशावान युवक युवती होंगे जिसको दिव्यांग की श्रेणी में नहीं गिने जाते। और ये दिक्कत ये है कि उनको जब आंखों में कुछ पिगमेंट बचपन से कार्यरत होने की ना होने की वजह से कुछ कलर्स आंखें पहचान नहीं पाती या देख नहीं पाती, जब उसका कम दिखना दिव्यांगता का भाग है तो उसी तरह ये बीमारी अन्य बच्चों में भी हो सकती है। तो मेरी मांग है कि पूरे तीनों मंत्रालय, जैसे सामाजिक अधिकारी मंत्री ने भी मुझे बोला था, डॉक्टर साहब को भी मैंने कल बोला था, उन्होंने बोला मैं सर्वे करके बताऊंगा, और एजुकेशन में, क्योंकि इतनी अच्छी कारकिर्दी के बावजूद भी वो कहीं नौकरी नहीं कर पाता। व्यूअर्स, अगर आप कलर डिफिशियंट हैं तो आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहिए जिससे कि आप नीरव के साथ में हो और इस लड़ाई में जिसमें नीरव अकेला है वो अकेला ना हो, और हो सकता है कि गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा फैसला आपके हित में आए जो कि आपकी फ्यूचर को सिक्योर करेगा। तो इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, बाय बाय।